गिरफ्तार, जहां व्यापम घोटाले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर जगदीश सिंह कारतूस के साथ इंदौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें, एयरपोर्ट पर बैग में कारतूस छुपाकर ये आरोपी लेकर जा रहा था। इसी दौरान इंदौर से ग्वालियर फ्लाइट में जाने से पहले चेकिंग की गई और चेकिंग के दौरान बैग में जिंदा कारतूस मिला, तो सुरक्षा कर्मियों ने एरोड्रम थाना पुलिस के हवाले अब इसे कर दिया है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जानकारी लेंगे संवाददाता अखिलेश सेन फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर और क्या कार्रवाई अब की जा रही है इस मामले में? बिल्कुल, कहा जा सकता है कि जो व्यापम घोटाले का मुख्य आरोपी है जगदीश सागर, ये ग्वालियर फ्लाइट पर जा रहा था और उसके दौरान जो स्कैनिंग की गई इसके सामान की, तो इसके बैग से एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। उसके बाद जो सीआईएसएफ के जो जवान है, जो सुरक्षा कर्मी है, उन्होंने जिसकी सूचना एरोड्रम थाने को दी और उसके बाद जो थाना प्रभारी है वो खुद पहुंचे थे और इसे गिरफ्तार किया और इसे पूछताछ लगातार की जा रही है। तो जो बताया जा रहा है कि जो आरोपी है जगदीश, इसके पास दो लाइसेंसी बंदूकें थी और उसके बाद जब ये व्यापम घोटाले में जेल गया हुआ था, तो जेल जाने के बाद जब इसने अपना लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए कलेक्ट्रेट में आवेदन दिया, तो वो उसका जो आवेदन है उसको खारिज कर दिया और जब से ही उसने जो अपनी दो बंदूकें हैं वो बेच दी थी। लेकिन जो जिंदा कारतूस है, जो इसके बैग से जो मिला है, तो ये बैग में कारतूस कैसे आया जो जब बंदूकें बेच दी गई, तो इसी पूरे जो मामले में इस पर पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल जो जगदीश सागर आरोपी है वो एरोड्रम पुलिस की गिरफ्त में है और उससे पूछताछ की जा रही है। बहुत धन्यवाद आपका अखिलेश जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां व्यापम घोटाले का मुख्य आरोपी कारतूस के साथ गिरफ्तार हुआ है। इंदौर एयरपोर्ट से इसे पकड़ा गया है, जगदीश सिंह सागर, जिसे इंदौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। ये बताया जा रहा है कि वो बैग में कारतूस छिपाकर ले जा रहा था और इंदौर से ग्वालियर फ्लाइट में जाने से पहले चेकिंग के दौरान बैग की जब तलाशी ली गई, तो इस दौरान वो पकड़ा गया। एयरपोर्ट के सुरक्षा कर्मियों ने उसे एरोड्रम पुलिस के हवाले कर दिया है। फिलहाल आगे कार्रवाई की जा रही है।